आज तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खेलता रहा। रोज़मर्रा हमें वहाँ पर ये वायलेशंस क्रिएट करते थे। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पूरी दुनिया को ख़राब कर डालेगा। ये शब्द हैं कश्मीर की एक महिला कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर के, जिन्होंने 27 सितंबर को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के 54वें सत्र में पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण इरादों का भंडाफोड़ किया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने अपने बयान में कहा कि जम्मू की मूल निवासी होने के नाते वो JKUT और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के बीच विकासात्मक मतभेदों को सामने लाना चाहेंगे। मैं कश्मीर की उन मजलूम कौम की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद करने के लिए आई हूँ, उनकी जस्टिस मांगने आई हूँ, जिनके साथ आज तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खेलता रहा। माँ को बेटा, एक माँ को बेटा छीना है, एक बहन को भाई छीना है गोलियों का शिकार बना के, और एक बच्चे को माँ भी छीना है, किसी को बाप भी छीना है। तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं आई हूँ कि आज 30-40 साल पहले हमें 30-40 साल तक हमें इन्होंने सुकून की नींद सोने नहीं दिया। कभी क्या डेवलपमेंट हो जाती कश्मीर में उससे पहले? रोज़मर्रा हमें वहाँ पर ये वायलेशंस क्रिएट करते थे। अगर देखा जाए तो 2-3 साल से हम थोड़ी बहुत राहत लेते हैं, मगर पाकिस्तान के टेररिज्म फिर भी बाज नहीं आते हैं। उन्होंने वहाँ पर और एक बड़ा वाक्य अंजाम दिया है, हुमायूं भट्ट, हमारा आशीष और भी एक ऑफिसर, तो ये पीछे हटते ही नहीं है। ये किस बुनियाद पर आते हैं हमारे कश्मीर में और कौन से परमिशन लेके आते हैं? चोरों की तरह घुसपैठ करते हैं। कोई भी कंट्री किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके कंट्री में कोई सामान लेके घुसपैठ करे और फिर वहाँ के इनोसेंट पब्लिक को मार दाड़ करे। हम UN में उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, उस कौम की, उन मजलूम औरतों की जिनके साथ एट्रासिटीज़ हुई है, जिनके साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जिनको अपना शिकार बनाया, उनके फैमिली को शिकार बनाया है, उनके साथ रेप किए गए हैं, उनके साथ बहुत हद से भी ज़्यादा जुल्म किया गया है। एक तो उनको बोलते थे हमें खाना खिलाओ, और दरवाज़ों को तोड़ फोड़ करके उनके अंदर घरों में घुसते थे और उन पर इतना दहशत फैलाते थे कि वो अपने आवाज़ को कभी आज तक बुलंद नहीं कर पाई। वो अपने आप, मुझे लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पूरी दुनिया को ख़राब कर डालेगा। पूरी दुनिया में दहशत और खौफ है। वो तो कश्मीर के जानों के सौदागर है, कश्मीर के मौतों की सौदागर है। उन्होंने कश्मीर के इनोसेंट पब्लिक को मौत की नींद सुला दिया है, कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, तो कौन सा हमारी हक की बात वो करते हैं? मैं तो ग्रास रूट लेवल से, मैं कश्मीर से हूँ, मैं उनकी तरह नहीं जो यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बात करते हैं। कोई UK में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई इटली में रहता है, मुझे दिखाई वो ग्रास रूट लेवल से कश्मीर में रहते हैं क्या वो कश्मीर की बात करें? मैं तो कश्मीर से आती हूँ, मुझे पता हमारे कश्मीर में कौन से हालात बेहतर है, कब है, क्या है। मुझे हर दिन, हर सेकंड का, हर मिनट का कश्मीर का हालात पता चलता है और मैं वहीं रहती हूँ। फिर यूनाइटेड में जाके वापस अपने कश्मीर चली जाती हूँ। उन्होंने हमारे साथ जितने भी एट्रासिटीज़ करी है, हद हो चुकी है। अब हम उनको एक्सपोज करते ही रहेंगे, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को हम बेनकाब करते रहेंगे। परसों ही 5 को पकड़ा गया है जो ये कश्मीर की यूथ को भी अभी मिसगाइड करते हैं, काउंसलिंग करते। कौन सा जहाद, वो कौन सा जहाद है जो इंसानियत को ख़त्म कर डालता है? पाकिस्तान के अपने हालात देखने नहीं चाहिए? अगर वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शियाओं को वो क्यों नहीं रहने देते हैं? वहाँ पर वो अहमदीज़ को क्यों नहीं रहने देते? तो बाकी की बात ही नहीं, हमारी इंडिया को देखो, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हम सारे मिलजुल के रहते, भाईचारा देखो हमारा कितना है। तो वो अपने आप को देखे ना, जब वो अपने लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देते, क्या वो कश्मीरी कौम के खून के प्यासे नहीं है? उनको कश्मीर की लैंड चाहिए, कश्मीर का कौम नहीं चाहिए। लेकिन उनको भूल है जो POJK है वो कश्मीर का हिस्सा है, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। हम उनसे वो लेके ही रहेंगे, इंडियन कश्मीर लेके ही रहेगा उनसे अपना हिस्सा। वो हमारा हिस्सा उनके पास है, उनके डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, उनके ज़मीन के नक्शे में, पाकिस्तान ज़मीन के नक्शे में नहीं है। वो देखिए POJK पर कितने एट्रासिटीज़ वहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी बिजली उनको देते हैं, आटा देते हैं, वो तो परेशान है। कौन सी फैसिलिटीज़ की फैसिलिटेट किया उन्होंने POJK को, हमें बताइए।
खामखा बना दिया है। उधर उन्होंने बता रहे हैं कि उनको अपना सारा कुछ अपने पास है हुकूमत। कौन सी हुकूमत? उधर तो उन पर आर्मी राज करती है, पाकिस्तान आर्मी राज करती है उन पर। तो उन पर जुल्म नहीं हो रही उन बेचारों को? उसके बावजूद देखिए आप, हमारी जे एंड के की डेवलपमेंट, हर दिन हर प्रोजेक्ट चल रहा और अच्छे अच्छे रोड्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटलिटी बढ़ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पर हर घर में हर पर्सन को 5-5 लाख का वो गोल्डन कार्ड बनवाया है, फ्री में उसको इलाज मिल रहा हॉस्पिटलों में। और हमारा सब, हम बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम POJ के मसले में भी दखल अंदाजी अब करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। वह हम नहीं सह सकते उनके जुल्म।